हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों, बात करेंगे सुचर्स के बारे में। सुचर्स हम देखते हैं अक्सर कि लोगों को टांके लगते हैं, किसी भी तरह की सर्जरी हो टांके जरूर लगते हैं। तो ये सुचर्स का जो धागा होता है वो कितने प्रकार का होता है, कौन सा धागा कब इस्तेमाल किया जाता है, इनके क्या नंबर्स होते हैं, ये सब अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक थोड़ी सी बात है जो आपसे कहना चाहता हूँ कि देखो, कई बार आप लोग कमेंट्स करते हैं तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो प्लीज़ आप बुरा ना माना करें, क्योंकि हज़ारों लाखों कमेंट्स डेली आते हैं और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स रिप्लाई कर सकूँ। अगर आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं आया तो प्लीज़ से आप वेट करें, आपको ज़रूर से रिप्लाई मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था क्योंकि बहुत लोगों के दिल टूट रहे थे, तो आप खुद सोचें मैं भी एक इंसान हूँ। सो खैर, सुचर्स के बारे में बात कर रहे थे। सुचर्स एक टेक्निक है जिसमें आदमी का जो है स्किन को जोड़ा जाता है, क्योंकि मांस फटा हुआ है उसको जोड़ा जाता है धागे की सहायता से, टिश्यूज को जोड़ने का काम है सुचर्स का, है ना। जो स्टिचेस लगते हैं टांके वो होता है, इसमें नीडल्स होती है, उसका वीडियो अपन अलग देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दो तरह के सुचर्स होते हैं, जो थ्रेड होता है दो तरह का होता है बेसिकली। आपने अक्सर सुना होगा कि कहते हैं भाई वो टांके लगाए थे उनको खुलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुछ टांकों को कुछ समय बाद निकलवाना पड़ता है, धागों को निकलवाना पड़ता है कुछ समय बाद, और कुछ टांके ऐसे होते हैं जिनको निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अंदर ही रह जाते हैं। तो ऐसे जो टांके होते हैं जिनको निकलवाना नहीं पड़ता है, जो शरीर के अंदर लगते हैं, अंदर के अंगों पर लगते हैं और जो घुल जाते हैं शरीर में, घुलने वाले टांके बोलते हैं उन्हें, बेसिकली एब्जॉर्बेबल सुचर्स कहा जाता है। नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर्स वो होते हैं जिनको आपको निकालना ही पड़ता है, जिनको बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। एक्चुअली क्या होता है, जो एब्जॉर्बेबल सुचर्स होते हैं उनको हमारे जो बॉडी के एंजाइम्स होते हैं उनको तोड़ देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, तो उनकी इस तरह से मटेरियल से बना होता है जो अपने बॉडी के लिए सुटेबल होता है। नॉन एब्जॉर्बेबल जो होते हैं उनको अपना बॉडी कुछ नहीं कर पाता, उनको निकालना ही पड़ते हैं। तो पहले नंबर पे दोस्तों दो टाइप के हैं, तो पहले नंबर पर हम बात करेंगे एब्जॉर्बेबल सुचर्स की, जो कि आपके शरीर में रह जाते हैं या गल जाते हैं। तो इनमें दोस्तों कई तरह के मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है। पहले नंबर पे एब्जॉर्बेबल सुचर आता है दोस्तों बिकायरल। बिकायरल जो होता है एक जो है लगभग पर्पल कलर का एक सुचर का पैकेट आता है, उसको बिकायरल बोलते हैं। और ये इसको दोस्तों पॉली गैलेक्टिन भी कहा जाता है, और ये 3 महीने तक अपने शरीर में रहता है और अपने आप गल जाता है। और ये जो बेकायरल के सुचर्स होते हैं ये कहाँ पे लगते हैं, जब आपको शरीर में कहीं पे म्यूकोसल सुचर्स लगाना हो, मतलब कि इंटरनल ऑर्गन में कहीं पे म्यूकस है जहाँ पे, वहाँ पर सुचर्स लगना है तो इसको यूज़ करते हैं। मोनोक्रेल है दोस्तों दूसरा है, मोनोक्रेल ये भी सिंथेटिक होता है, नेचुरल नहीं है, सिंथेटिक होता है, लैब में तैयार किया जाता है इस धागे को, और ये भी 3 महीने तक एक्टिव रहता है, 3 महीने तक पकड़ के रखता है, इसकी जो लिमिट है वो 3 महीने तक रहती है, और फिर वो अपने आप खुल जाता है शरीर में ही, डिजॉल्व हो जाता है। कैटगट जो कि ज़्यादा फेमस है दोस्तों, कैटगट नेचुरल है, ठीक है, ये दूसरे जानवर्स जो होते हैं भेड़ या गाय, इनके जो स्टमक होता है उससे निकाला जाता है, जो टिश्यूज हैं उनसे तैयार किया जाता है, तो इनको हमारा शरीर डाइजेस्ट कर जाता है और वो घुल जाते हैं। सो खैर, ये 2 महीने तक काम करता है, और लाइगेट की जब सर्जरी की जाती है, लाइगेट या वेसल्स की जो सर्जरी होती है यहाँ पर इसको इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा कमज़ोर होता है, ज़्यादा हैवी मजबूत नहीं होता है। ये PDS मतलब कि पॉलीडायक्सोनन, ठीक है, ये है दोस्तों, ये एक सिंथेटिक है, 3 से 6 महीने तक काम करता है और मजबूत बहुत ज़्यादा होता है, और इसका इस्तेमाल बिलियरी या पैंक्रियाटिक किसी भी तरह की सर्जरी जब होती है वहाँ पर इसको करते हैं। अब बात करें दोस्तों दूसरे टाइप की, जो नॉन एब्जॉर्बेबल हैं जिनको काटना पड़ता है, निकालना पड़ता है, तो यहाँ पर दोस्तों प्रोलेन है, प्रोलेन जो कि सिंथेटिक होता है, स्किन में कहीं पे भी कोई कट लग जाए, स्किन इंजरी हो जाए तो वहाँ पर इसको लगाते हैं प्रोलेन, ठीक है। नायलॉन है, नायलॉन भी सेम है, सिंथेटिक है, और ये भी स्किन के कट वगैरह को जो सिलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नायलॉन के बाद दोस्तों सिल्क है, सिल्क नेचुरल है, रेशम होता है, इसको बनाते नहीं लैब में, ये नेचुरली मिलता है, इसको भी यूज़ करते हैं दोस्तों लाइगेट और ड्रेन वगैरह की जो सर्जरी होती है उनमें इसको इस्तेमाल करते हैं। और स्टील सिंथेटिक होता है, स्टील जो होता है स्टील का वायर होता है, बहुत मामूली सा पतला वायर होता है लेकिन वो स्टील का होता है, यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा टिश्यू है, बहुत बड़ा एक ऑर्गन है जिसको बहुत मजबूती से इसको बांध के रखना है, जैसे कि अपन कह सकते हैं स्टर्नोटॉमी, स्टर्नोटॉमी क्लोजर की जब सर्जरी की जाती है
तब वहां पर इसको यूज किया जाता है स्टील। तो ये सारे जो सुचर्स हैं सब अलग अलग तरीके के हैं, अलग अलग कलर्स की पैकिंग में कोडिंग के साथ आते हैं। तो इनके भी क्या होता है, नंबर्स के हिसाब से चलता है, ठीक है। जैसे कि ब्राउन वाला कैटगट है, मतलब कि वो जो है एब्जॉर्बेबल है और नेचुरल है, तो उसके कुछ नंबर्स आते हैं। जैसे ही ग्रीन है, पोलेमाइड है या ब्लू है, और रेशम का होता है, सिल्क होता है, तो इनके कुछ नंबर्स होते हैं। ये नंबर्स जो होते हैं दोस्तों, वो डिपेंड करता है आपके किस बॉडी पार्ट पे कौन सा नंबर यूज़ करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ नंबर्स बता रहा हूँ, फटाफट से देख लीजिएगा। जैसे अगर बात की जाए स्काल्प की, तो स्काल्प पे 4-0 और 5-0 नंबर का सुचर लगता है, और इसको 5 से 8 दिन में निकालना ही पड़ता है। ऐसे आप खोपड़ी में लगेगा टाँका तो वैसे होता है। फेस पे कोई इंजरी हो जाए तो उस पर 5-0 और 6-0 का टाँका लगता है, सुचर्स लगता है, और इसका भी टाइमिंग यही है, 3 से 4 दिन में निकालना ही पड़ता है। और चेस्ट और एब्डोमेन की बात करें, 3-0 और 4-0 7 से 10 दिन की इनकी जो रिमूवल टाइमिंग होता है। और हाथ में अगर कहीं पे इंजरी हो जाती है, वहाँ का टिश्यू अलग होता है, तो 4-0 और 5-0 नंबर का लगता है। पैर में जो है 3-0 4-0 लगता है। फुट में जो है वो 3-0 4-0 लगेगा, जॉइंट्स में भी 3-0 5-0 लगेगा। तो इन सारे ही सुचर्स का एवरेज टाइम वही होता है, 7 से 8 दिन का, इतने में निकालना पड़ता है, जो कि नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं, ठीक है। एब्जॉर्बेबल में ऐसा कुछ नहीं है, वो लग गया तो वो लगा ही रहेगा परमानेंट। जो इंटरनल सर्जरी वगैरह करते हैं वहाँ पे अंदर जो टाँके लगते हैं वो एब्जॉर्बेबल और कैटगट का टाँका लगता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसके बारे में। वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आया, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और यहाँ पे हम देते हैं आपको मेडिकल जानकारी, बीमारियाँ, दवाइयाँ और कुछ क्लिनिकल टिप्स जो कि आपके काम आ सकती हैं। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में दोस्तों। आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।